हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ पाव से 6 रेसिपीज़। यह पांचवी रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये सारे बहुत ही क्विक स्नैक हैं। घर में गेस्ट आ गए हैं या बच्चों को शाम के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाना हो तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है तवा मसाला पाव। तवे पर 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। आप बटर की जगह घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चूँकि हम इसे तवे पर बना रहे हैं तो यह बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी पक जाएंगे। ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट में इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 कटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी यह मिक्सचर बना सकते हैं। अब इसमें 1/2 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर के गलने तक इसे पकाएंगे। टमाटर को लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बीच बीच में चलाते रहें। टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। आप इसकी जगह गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इस मिक्सचर को हम साइड कर लेंगे और इसी तवे पर हम पाव को सेकेंगे। तवे पर थोड़ा सा बटर डाल देंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला छिड़केंगे, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। अब इस मिक्सचर को तवे पर फैला लेंगे और इसके ऊपर पाव को बीच से कट करके पाव को सेक लेंगे। अगर आपने इस मिक्सचर को पैन में बनाया है तो पाव को अलग से सेक लें। पाव के दूसरी साइड पे थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सारे पाव को पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अब पाव के ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया था वह रख देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब इसके ऊपर दूसरा पाव रख देंगे। अब इसे एक बार ही पलट कर दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए रख कर इसे पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। ये देखिए, मसाला पाव बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर सर्व करेंगे। इसे सर्व करते समय प्लेट में थोड़ा सा नमकीन रख दीजिए। खाने से पहले बन के बीच में थोड़े से कच्चे प्याज और नींबू का रस डाल देंगे तो यह और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लास्ट में गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से प्याज और धनिया के पत्ते रख रही हूँ। मसाला पाव बिल्कुल रेडी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट रेसिपी है चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम्ब। यह 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले सारे वेजीज को मिक्स कर लेते हैं। एक बोल में 1/4 कप कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लेंगे। 1/4 कप स्वीट कॉर्न ले लेंगे। मैंने फ्रोजन स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। बस स्वीट कॉर्न को 4 से 5 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। इसमें 2 टेबल स्पून टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के बीज को निकाल देना है। इसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड करेंगे और इसके साथ ही में थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर में थोड़ा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें सिंपली टोमेटो केचप डाल दें। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा केचप का इस्तेमाल नहीं करिएगा, वरना ये मिक्सचर थोड़ा मीठा हो जाएगा। अब इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ की मात्रा आप अपने हिसाब से रखें, आपको जितना चीज़ पसंद है आप उतना चीज़ ऐड करें। अब इस चीज़ को वेजीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इस रेसिपी को हम पिज़्ज़ा बॉम्ब बोल रहे हैं तो चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, कंजूसी नहीं करिएगा। और इसी के साथ सब्जियों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक पाव ले लेंगे।
चाकू की मदद से पाव के ऊपरी हिस्से को इस तरीके से सर्कल में कट करते हुए निकाल लेंगे। चाकू को पूरा नीचे तक नहीं ले जाइएगा, थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि इस पाव को हमें एक कटोरी की शेप देनी है। और जो किनारे के हिस्से हैं उसे इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे ताकि इसे एक परफेक्ट कटोरी की शेप मिल जाए। और सेंटर में जो थोड़े बहुत ब्रेड क्रम्स होंगे उसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, पाव से बिल्कुल एक परफेक्ट कटोरी की शेप बन गई है। मैं आपको दूसरा पाव कट करके दिखाती हूँ। बस सिंपली इसे ऊपर ऐसे सर्कल शेप में कट करना है और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। और साइड में जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उसे निकाल लेंगे। बस ध्यान रखिएगा इस पाव को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, वरना ये सब्जियों को होल्ड नहीं कर पाएगा। सारे पाव को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और इसके बाद इन सारे पाव के सेंटर में थोड़ा थोड़ा मेयोनीज डाल देंगे। अब इस मेयोनीज को पाव के बेस पर इस तरीके से फैलाकर अच्छे से लगा देंगे। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, वो भी ना हो तो सिंपली टमाटो केचप लगा दें। अब इसके अंदर जो हमने सब्जियों का मिक्सचर बनाया था उसे डाल देंगे और हर बार डालने के बाद हल्का हल्का प्रेस करते भी रहेंगे ताकि सब्जियों की जो मात्रा है वो उसके अंदर ज़्यादा रहे, जिससे जो ये पिज़्ज़ा बॉम है खाने बहुत अच्छे लगते हैं। सारे पाव रेडी हो गए हैं, इसमें टोटल 4 पाव का इस्तेमाल हुआ है। अब इन सभी के ऊपर थोड़ा चीज़ रख देंगे। इस टाइम भी आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखें, आपको जितना चीज़ पसंद है या आप इसे जितना चीज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इस पर चीज़ रख दें। सारे पाव पर इस तरीके से चीज़ रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़क देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। अब इन सारे पाव को एक बेकिंग ट्रे पर रख देंगे और इसे तब तक बेक करेंगे जब तक इसके ऊपर जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। आप इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। सो हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम बिल्कुल रेडी है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और छिड़क देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे और इसी के साथ चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम बिल्कुल रेडी है। यकीन मानिए यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट रेसिपी है चीज़ मसाला पाव। मैंने यहाँ 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन आलुओं को घिस लेंगे। आप चाहें तो इन्हें फोक की मदद से या मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। मैं इन्हें काफ़ी बारीक घिस रही हूँ, आप चाहें थोड़ा मोटा भी घिस सकते हैं। आलू अच्छे से घिस गए और इसमें ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं। अब इसमें डालने के लिए तड़का बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 6 लहसुन, 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक ले लेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। इसे बिना पानी डाले पीसना है। ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद एक पैन में लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, राई हल्का चटकने लगा है। अब इसमें 1/2 चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे। अब इसे कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे जब तक कि इसमें हल्का सा कलर चेंज ना आ जाए। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करिएगा, बस हल्का सा कलर चेंज आपको दिखेगा तभी तक पकाइएगा। अब इसमें लगभग 2 चम्मच कड़ी पत्ता कट करके डाल देंगे और इसके साथ में जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन मिर्च का वो भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे जो लहसुन का कच्चापन और स्मेल है वो चली जाएगी और जो उड़द दाल है वो भी अच्छे से पक जाएगी। ध्यान रखिएगा जो लहसुन है उसे लाल नहीं करिएगा, इसलिए इसे हम धीमी आंच पर पका रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करना है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। सो हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इसे आलू के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रखिएगा कि तड़के में भी हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हमारी चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1 कप धनिया की पत्ती ले लेंगे। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। 5 हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च आप अपने आप से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 इंच अदरक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। दही की वजह से इस चटनी का टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे।
पीसने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है चटनी का। इसके बाद पाव ले लेंगे। जिस बर्तन में आप इसे बेक करने वाले हैं पाव को उसी पर रखें, क्योंकि सारी चीज़ें असेंबल करने के बाद ये हैवी हो जाता है तो टूट भी सकता है। अब इस पाव को हाफ कट कर लेंगे। किनारों से कट करते हुए चाकू को सेंटर में ले जाइएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें पाव को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब पाव के नीचे के हिस्से को ले लेंगे और जो हमने चटनी बनाई थी वो इस पर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर पनीर घिसकर डाल देंगे। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पनीर घिसकर डालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से फैला दें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज रख देंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च रख देंगे, थोड़े बारीक कटे हुए टमाटर रख देंगे। टमाटर के बीज निकाल देना है। सब्जियां आप इसके ऊपर अपनी पसंद की रख सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। इसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं और चीज़ के बिना बनाएं तो भी ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप जो दूसरी पाव की स्लाइस थी उस पर चटनी लगाकर इस पर इस तरीके से रख देंगे और इसके बाद इसे बेक करेंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। बेक करने से पहले पाव के ऊपर बटर लगा देंगे। आप चाहें तो चीज़ को पहले ही मेल्ट कर लें और उसके बाद दूसरे पाव से इसे कवर करें। आप इसे कढ़ाई में ही बेक कर सकते हैं। अवन में इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर तब तक बेक करेंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। इसी के साथ चीज़ी मसाला पाव बिल्कुल रेडी है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। सर्व करने से पहले इसे कट कर लेंगे। यह चीज़ी मसाला पाव हर किसी को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यह देखने में बहुत कलरफुल है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपकी आलू की स्टफिंग थोड़ी बच भी जाए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आलू का पराठा बनाने में। नेक्स्ट रेसिपी है चीज़ी पुल आउट पाव। सबसे पहले स्टफिंग बना लेते हैं। एक बोल में 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे, 1/3 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लेंगे और इसके साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, फ्रोजन फ्रेश, आप कोई भी स्वीट कॉर्न ले सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार या 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। 1/4 चम्मच या चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच ऑरिगैनो ऐड करेंगे। आप इसकी जगह मिक्स्ड हर्ब इटालियन सीजनिंग आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतना मिक्सचर दो पाव के लिए काफ़ी होता है। आप ज़्यादा पाव बनाने वाले हैं तो आप सब्जियाँ उस हिसाब से ले लें। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने आप से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें और चीज़ की क्वांटिटी कम कर दें। अगर जो स्टफिंग है थोड़ी ज़्यादा बन गई है, मतलब बच गई है, बची हुई स्टफिंग को आप एक बॉक्स में भरकर फ्रिज में रख दें। आप चाहें तो इस स्टफिंग से सैंडविच बना सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अब गार्लिक बटर रेडी कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून बटर। इसे 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में डाल देंगे। बटर बहुत आराम से मेल्ट हो जाएगा। गैस पे मेल्ट करने वाले हैं तो किसी स्टील कटोरी में या फिर तड़का पैन में गर्म कर लें। बटर आराम से पिघल जाएगा। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो लहसुन को बारीक कट करके भी ले सकते हैं। थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप उस केस में सिंपली रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ गार्लिक बटर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक पाव ले लेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने इसे पूरा नीचे तक कट नहीं किया है, हमें नीचे से इसे 0.5 सेंटीमीटर छोड़ देना है। इसी तरह दूसरा कट भी लगा देंगे। अब इसे दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह कट कर लेंगे। मैं यहाँ पाव का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसी जगह बर्गर बन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो बन है वो बीच से आधे कटे हुए ना हो। सो आप देख सकते हैं पाव अच्छे से कट चुका है। ये देखिए इसे हम इस तरीके से पुल कर सकते हैं। बिल्कुल पजल क्यूब जैसा बन गया है ये। अब जो हमने गार्लिक बटर ऐड किया है वो इसमें लगा देंगे। बटर को अच्छे से लगाएंगे ताकि जो बटर है वो पाव के अंदर तक अच्छे से लग जाए। ध्यान से लगाइएगा जो पाव के पीसेज हैं वो टूट कर अलग ना हो जाएं।
सो गार्लिक बटर हर तरफ अच्छे से लग चुका है। अब इसमें जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो भर देंगे। स्टफिंग को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए अंदर तक भर दीजिएगा, जहाँ जहाँ हमने कट लगाया है ना उसमें अंदर तक अच्छे से भर दीजिएगा स्टफिंग को। और ये देखिए जो हमारा पाव अच्छे से स्टफ हो चुका है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक गहरी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डालकर मेल्ट कर लेंगे। आप बटर की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो हमने गार्लिक बटर बनाया उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो जाने के बाद जो हमने पाव रेडी किया है वो इस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। अगर बेक करने वाले हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए बेक कर लीजिए या तब तक जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। सो इसे पकाते हुए मुझे लगभग 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। सो हमारा चीज़ी गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना यमी लग रहा है। आप बनाकर देखिए, गार्लिक बटर की वजह से इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं ये कितने कम समय कितनी आसानी से बन गया है। अब मैं आपको इसका बॉटम दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, हल्का सा क्रिस्पी हो गया है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार बनाकर देखें, यह आपको बहुत पसंद आएगा। ये चीज़ गार्लिक ब्रेड बहुत ही टेस्टी बनते हैं। नेक्स्ट रेसिपी क्विक एंड ईजी 2 मिनट बनने वाली वेजीज पाव। सबसे पहले एक पाव ले लेंगे, इसकी जगह आप बर्गर बन भी ले सकते हैं। इसे बीच से कट कर लेंगे और इसकी एक साइड पर हरी चटनी लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर मीठी इमली की चटनी लगा देंगे। आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अगर आपके पास चटनी बनाने का समय नहीं है तो आप यह चटनियाँ बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। बाज़ार में यह हरी चटनी और लाल चटनी आसानी से मिल जाता है, या आप चाहें तो चटनी की जगह टोमेटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज रख देंगे। अगर आपके पास सब्जियाँ कट करने का भी समय नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप हैंड चॉपर भी खरीद सकते हैं, वो बहुत महंगा भी नहीं होता है। प्याज के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च रख देंगे। इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर रख देंगे। टमाटर के बीज निकाल देना है, बीज की वजह से ये जो पाव है ये सॉगी हो जाएंगे। आप चाहें तो इस पाव के ऊपर थोड़े से स्वीट कॉर्न या चीज़ भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सेव रख देंगे। आप इसकी जगह नायलॉन सेव का या आलू भुजिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद पाव की दूसरी साइड पर भी हरी चटनी लगा देंगे और इसके साथ ही में इमली की चटनी लगा देंगे। अब दूसरे पाव की स्लाइस को इसके ऊपर रखकर बंद कर देंगे। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है या बहुत कम समय है तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर समय है तो आप इसे ज़रूर सेकें। सेकने के लिए आप तवे पर थोड़ा सा बटर रख देंगे। आप इसकी जगह ऑयल या घी भी ले सकते हैं और इसके ऊपर जो हमने पाव बनाया था उसे रख देंगे और आप इसे पलट पलट कर दोनों साइड से सेक लेंगे। आप चाहें तो पाव को पहले ही सेक लें और उसके बाद इसमें वेजीज लगाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में भी ग्रिल कर सकते हैं। इसे आप शाम को स्नैक्स में दे सकते हैं। यह मसाला पाव खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इसी के साथ मसाला पाव दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। इस तरीके से सर्व करने से क्या होता है, ये जो मसाला पाव ये गर्म गर्म रहता है। अब इसे तवे से उतार लेंगे और सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी लगा देंगे और थोड़ी सी इमली की चटनी लगा देंगे। अब इस पाव को बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए ये जो पाव है कितने कलरफुल बने हैं। इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सेव रख देंगे और इसी के साथ क्विक एंड ईजी मसाला पाव बिल्कुल रेडी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पाव से बनने वाली रेसिपीज़ या इनमें से कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।